एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था वर्कशीट नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स का एप्लीकेशंस यानी वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किया था, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। बाकी के क्वेश्चंस के वीडियोस डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इफ द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोला जा रहा है एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर लेस है। किससे 16 सेंटीमीटर लेस है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 16 सेंटीमीटर लेस है। और बोला गया है रेक्टेंगल का पेरिमीटर 100 सेंटीमीटर है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस फर्स्ट लाइन से हम लोग लेंथ और ब्रेथ का एजम्पशन करेंगे। बाद में क्या दिया हुआ ब्रेथ, मैंने क्या बताया था आपको कि जो बाद में दिया है उसी को एज्यूम करेंगे, तो हम लोगों का वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एज्यूम करते हैं हम लोग, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी बी, यूनिट क्या लेते हैं सेंटीमीटर लेते हैं। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ विल बी इक्वल टू क्या बोला जा रहा है 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ के बारे में बोला जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर लेस है ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ को हम लोगों ने क्या माना है बी माना है, बी का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, उससे 16 सेंटीमीटर लेस दैट मींस -16 सेंटीमीटर। अब एज पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है। एज पर क्वेश्चन पेरीमीटर हम लोग को गिवन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज हाउ मच 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका वैल्यू हम लोग को गिवन है 100। पुट करेंगे वैल्यूज, 2 इंटू लेंथ के जगह पर क्या पुट करेंगे 2b माइनस 16, और ब्रेथ के जगह क्या पुट करेंगे b इज इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, 2 इंटू 2b माइनस 16 प्लस b इज इक्वल टू 100, दैट इज 2 इंटू 2b प्लस b 3b हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 100। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा, 3b माइनस 16 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, 2 से 100 कैंसिल हो गया 59। तो क्या आ जाएगा, आएगा हम लोगों का 3b माइनस 16 इज इक्वल टू 50 आ गया। दैट मीन्स 3b इज इक्वल टू 50 प्लस 16, 16 LHS में माइनस में RHS में जाके प्लस में हो गया। तो 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 प्लस 16 इज 66 एंड b विल बी इक्वल टू 66 अपॉन 3, दैट इज 22। b का वैल्यू आ गया 22। तो लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, सो लेंथ विल बी इक्वल टू क्या है वैल्यू लेंथ का 2b माइनस 16, That means 2 into b, b के जगह पर 22 put करेंगे minus 16, इतना सेंटीमीटर। That is 2 into 22 is 44 minus 16 सेंटीमीटर is equal to 44 में 16 subtract करेंगे हम लोग, 14 में 6 8 3 में 1 2 28 सेंटीमीटर, ये 1 first answer हो गया length का value। breadth का value निकालेंगे and breadth is equal to ब्रेथ को हम लोगों ने क्या माना है बी माना है, और बी का वैल्यू कितना निकल क्या है 22, ब्रेथ बी है और बी का वैल्यू 22 सेंटीमीटर, ये हम लोग का आंसर हो गया सेकंड पार्ट यानी ब्रेथ का। नाउ नंबर 12, यहां पर बोला जा रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 63। दो कंसेक्यूटिव है पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम कितना है 63। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, कंजिक्यूटिव इंटीजर है तो अगला इंटीजर में प्लस वन होगा, तो फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकंड इंटीजर एक्स प्लस वन। अब एज पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दोनों का सम एक्स और एक्स प्लस वन का सम कितना होगा, 63 होगा। एक्स प्लस वन इज 63, यानी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 63 माइनस 1 होगा। 2x इज फर्दर विल बी इक्वल टू 62 एंड x विल बी इक्वल टू 62 अपॉन 2। 2 से 62 31 टाइम में कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू आ गया 31। सो इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1, दैट मीन्स 31 एंड 31 प्लस 1, दैट इज 31 एंड 32 इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, अ सम ऑफ रुपीज 800 इज इन द फॉर्म ऑफ डेनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 10 एंड रुपीज 20। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 50, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। क्या बोला जा रहा है कि 800 रुपीज है, जो 800 रुपीज का सम है जो दो नोट से मिलके बना है, या तो उसमें 10 रुपीज का नोट है या तो उसमें 20 रुपीज का नोट है, और बोला जा रहा है उन दोनों नोट्स का मतलब 10 रुपीज और 20 रुपीज का नोट्स का नंबर कितना है, 50 है। तो फाइंड आउट करना है कि ईच टाइप के नोट का नंबर कितना है। तो यहां पर हम लोग एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि 10 रुपीज वाले नोट का नंबर कितना है और 20 रुपीज वाले का नंबर कितना है, पहले ये एज्यूम करेंगे। उससे पहले जानेंगे कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि रुपीज 10 का कितने नोट है, 5 नोट्स, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया मनी का, रुपीज 50। यानी कि वन नोट का वैल्यू को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू आता है, मतलब टोटल कितने मनी हुए वो पता चलता है। तो इसी का यूज यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि रुपीज 10 का नोट का नंबर कितना है। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स बी एक्स, तो द नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स कितना हो जाएगा, 20 के नोट्स का 50 है टोटल, दोनों का मिलके 50 है, एक अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। अब हम लोग एज पर क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि 10 रुपीज का नोट और 20 रुपीज का नोट का सम, अलग अलग नोट्स ढेर सारे नोट्स का सम कितना है, रुपीज 100 है। तो रुपीज 10 का नंबर कितना है, नंबर हमने एक्स एज्यूम किया उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रुपीज 10 वाले नोट का कितना वैल्यू हो रहा है 800 में वो पता चल जाएगा, प्लस रुपीज 20 का वैल्यू कितना है, नंबर कितना है 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू पता चल जाएगा। अब इन दोनों का सम रुपीज 10 का जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करके और रुपीज 20 का जो नंबर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, रुपीज 800। रुपीज साइन हम लोग बाद में देंगे, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू एक्स 10x हो गया, प्लस 20 इंटू 50 इज 2 5 10, उस पर 2 0, माइनस 20 इंटू एक्स इज 20x इज इक्वल टू 800। इसको सॉल्व करते जाएंगे, 10x और 20x एक साथ लिख लेंगे और 800 और 1000 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 माइनस 20 इज 20 माइनस 10 इज 10, तो माइनस का 10 होगा क्योंकि माइनस 1 इज ग्रेटर, माइनस साइन इज ग्रेटर। 800 1000 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 200 होगा, माइनस साइन ग्रेटर है, यहां भी माइनस होगा, माइनस 200। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू आ गया माइनस 200 अपॉन माइनस 10,
माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 220 टाइम पे कैंसिल हुआ, तो एक्स का वैल्यू आ गया 20। दिस मीन्स नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स विल बी इक्वल टू एक्स, एंड एक्स का वैल्यू कितना आया, 20 आया, तो 20 हम लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया। एंड नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, एंड 50 माइनस एक्स विल बी 50 माइनस 20 दैट इज 30। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपीज का नोट्स का नंबर 20 है और 20 रुपीज का नोट्स का नंबर 30 है, 20 प्लस 30 50 हो गया, चेक भी हो गया, दैट्स ऑल। नंबर 40, यहां पर बोला जा रहा है इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/5 ऑफ द बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। किसी क्लास में 49 स्टूडेंट्स है और उसमें गर्ल्स का नंबर 2/5 है बॉयज के नंबर से, तो आपको बताना है कि बॉयज का नंबर कितना है। तो यहां पर बाद में क्या दिया हुआ, गर्ल्स या बॉयज, बॉयज दिया हुआ, तो बॉयज का नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स will be equal to 2/5 of the number of boys, 2/5 of x, that means 2/5x। as per question क्या बोला जा रहा है, total students कितने हैं, 49, 49 कैसे आएगा, boys का number और girls का number का sum करके, that means x plus 2/5x is equal to 49। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स मीन एक्स बाय वन, वन और फाइव का एलसीएम 5 हो गया, वन से डिवाइड किया 5 को, 5 टाइम है, 5 इंटू एक्स इज 5x, प्लस साइन है, प्लस साइन दे देंगे, 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम है, 1 इंटू 2, 2x इज 2x इज इक्वल टू 49। 5 प्लस 2 इज 7, 7x अपॉन 5, दैट मीन 7/5x इज इक्वल टू 49। एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 49 इंटू 7/5 राइट हैंड साइड में जाके 5/7 हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, 7 से 49 7 टाइम में कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5 दैट इज 35, दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज क्या है, x है, तो निकल गया। सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हाउ मच, 35, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। Now number 15, last question of this video. The question is, Lena has 117 rupees in the form of 5 rupee coins and 2 rupee coins. The number of 2 rupee coins is 4 times that of 5 rupee coins. Find the number of coins of each denomination. बोला जा रहा है यहाँ पर लीना के पास 117 rupees है, जो किससे किससे मिलके बना हुआ है, 5 रुपी के कॉइन से और 2 रुपी के कॉइन से। अब बोला जा रहा है कि अगर 2 रुपीज का क्वाइंस 4 टाइम्स है किसके, 5 रुपी के क्वाइंस के, तो बताना है दोनों टाइप के क्वाइंस के नंबर कितने हैं। तो बाद में क्या दिया हुआ, इस लाइन से हम लोग एजम्पशन करेंगे सेकंड लाइन से कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइंस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 5 रुपी क्वाइंस, तो बाद में क्या दिया हुआ, 5 रुपी क्वाइंस, तो उसी को पहले एज्यूम करेंगे, ज्यादा आसान होगा। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइंस बी एक्स, है 5 रुपी का क्वाइंस, 2 रुपी का क्वाइन जो है वो 4 टाइम्स है 5 रुपी के क्वाइन के, तो 2 रुपीज का क्वाइन का नंबर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मीन 4 इंटू 4 टाइम्स किसके, 5 रुपी के क्वाइन के, और 5 रुपी का क्वाइन कितना, एक्स, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब एज पर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरह यहां पर भी करना है, नंबर ऑफ कॉइन को उसके वैल्यू ऑफ कॉइन को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4x से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल वैल्यू पता चलेगा, दैट मीन्स
इंटू एक्स अगर हम लोग करेंगे, 5 रुपीज का क्वाइन और उसके नंबर से मल्टीप्लाई किए, प्लस 2 रुपीज का क्वाइन उसके नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो वैल्यू आ जाता है कितना, 117। इसको सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस 2 इंटू 4x इज 8x इज इक्वल टू 117। 5x प्लस 8x इज 13x, 13x इज इक्वल टू 117। एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 117 अपॉन 13, 13 से 117 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। सो नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइंस विल बी इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 9। 9 इज द फर्स्ट आंसर। और 2 रुपीज का क्वाइंस का नंबर कितना है, 4x है। तो नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4x, 4x मीन्स 4 इंटू 9, दैट इज 36। एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स 2 रुपीज क्वाइंस का नंबर 36 हो गया और 5 रुपी के क्वाइन का नंबर 9 हो गया। ये हम लोगों का आंसर हो गया 15 नंबर के क्वेश्चन का। दैट्स ऑल, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। टिल नाउ।